मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में झूठी शिकायतों की अंबार लगी हुई है, चाहे वह 181 हो या 100 डायल या 108 एम्बुलेंस। असामाजिक तत्वों के द्वारा सीधे साधे लोगों को परेशान करने के लिए फर्जी सिम लगाकर झूठी शिकायतें की जाती हैं, जिसका खामियाजा जहां सभ्य समाज में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन भी परेशान होता है। इतना ही नहीं, वास्तविक पीड़ित के पास उक्त सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि ऐसे अपराधी 108 एम्बुलेंस से लेकर 100 डायल तक फर्जी कॉल कर व्यस्त कर देते हैं। ताजा मामला रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के सिरखिनी गांव का है, जहां रिटायर्ड शिक्षक के नाम से किसी साइबर अपराधी के द्वारा झूठी शिकायतें की जाती हैं। रिटायर्ड शिक्षक नंदलाल शर्मा ने बताया कि उनके नाम से 100 डायल में झूठी शिकायतें की जा रही हैं। पीड़ित ने बताया, आरोपी कभी गांव में हत्या होने तो कभी किसी के यहां चोरी तो कभी कुछ और झूठी शिकायत उनके नाम से कर प्रताड़ित कर रहा है। रिटायर्ड शिक्षक के घर कई बार पुलिस पहुंचती है, जिसके चलते उन्हें समाज में भी अपमानित होना पड़ता है। शिक्षक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अरुण नगर में रहते हैं, जबकि उनका पुस्तैनी निवास सिरखिनी में है, जहां किसी विरोधी या असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके नाम से झूठी शिकायत की जाती है। पीड़ित ने थाना प्रभारी से शिकायत कर उक्त मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। आइए सुनाते हैं पीड़ित शिक्षक ने क्या कहा है। मैं नंदलाल शर्मा, ग्राम सिरखिनी का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं अल्पाय वर्ग सोसाइटी अरुण नगर में निवास कर रहा हूँ। 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद मैं कभी गांव देखने चला जाता हूँ। उसे मेरा स्थायी निवास अरुण नगर रीवा ही है। 15-20 दिन पहले गाँव हमारे छोटे भाई के नाम एक रिपोर्ट आई कि दो पार्टियों में विवाद हो गया। 100 नंबर को से फ़ोन किए, पुलिस आई मेरे घर और पुलिस वालों ने बताया कि आपके नाम से रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट किया था, कहाँ विवाद है। उन्होंने कहा कि हमने कभी रिपोर्ट ही नहीं किया है, न हमारे गांव में कोई विवाद ही है। इसके बाद एक और छोटे भाई सुरेंद्र त्रिपाठी के नाम से रिपोर्ट हुई और आज मेरे नाम से रिपोर्ट की गई कि किसी व्यक्ति ने, गांव के किसी व्यक्ति ने चाकू, एक महिला को चाकू मार दिया है और रिपोर्ट मेरे नाम से की गई। आज भी पुलिस वाले आए वहाँ गांव में, तो गांव घर के लोग बताए कि यहाँ पुलिस वाले आए हैं, आपके नाम से इस तरह की रिपोर्ट है कि किसी महिला को किसी ने चाकू मार दिया है, जिसकी हत्या हो गई है। तो मैं इस संबंध में आज पुलिस वालों रायपुर थाने मिलने जा रहा हूँ। हाँ, ये शंका मुझे, क्योंकि 7-8 दिन पहले मेरे परिवार में दो भाइयों के यहाँ चोरी हो गई और मेरे जहाँ बाउंड्री थी बनी थी मेरा, तो उसका पिलर उलर भी तोड़ डाले हैं। तो ऐसा लगता है कि ये गांव के ही लोग इसमें शामिल है, कौन है ये जो कन्फर्म बता नहीं पा रहे हैं कि कौन हो सकता है, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गांव जाता हूं, घर में रहा, अपने खेतीबाड़ी देखा, वापस चला आया फिर शहर के लिए। पुलिस भी लगातार आपके घर जा रही है? पुलिस हमारे घर जा रही है। हम सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में थोड़ा बहुत कुछ इज्जत ज़रूर है, तो अब पुलिस बार बार जाने से एक सामाजिक ह्रास हो रहा है हमारा। क्यों बार बार इनके घर में पुलिस आ रही है?